नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से आप अपनी पुरानी वीडियोस पे व्यूज़ जनरेट कर सकते हैं। वेल, अगर आप नया यूट्यूब चैनल खोले हैं तो जनरली ऐसा होता है कि जब भी आप नया यूट्यूब चैनल खोले तो जो कुछ पुरानी वीडियोस होती हैं, क्योंकि आपका चैनल नया है उसमें सब्सक्राइबर नहीं होते तो पुराने वीडियोस पे व्यूज़ नहीं आते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आपका चैनल बड़ा हो जाता है उसमें व्यूज़ आ जाते हैं, सब्सक्राइबर आ जाते हैं, तो जो आपकी नई वीडियोस है इसमें तो व्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि लोगों के पास नोटिफिकेशन जाता है, लोग उस वीडियोस को वॉच करते हैं, ईमेल जाता है, तो लोग जो है आपके नए वीडियोस तो देख लेते हैं क्योंकि उनके पास नोटिफिकेशन जाता है। लेकिन जो पुरानी वीडियोस थी, क्योंकि उस समय आपके पास सब्सक्राइबर नहीं थे, आपका चैनल नया था, तो जो भी व्यूज़ थे वो व्यूज़ वैसे के वैसे ही रह जाते हैं, 40-50। और क्योंकि और उसमें व्यूज़ कम होते हैं तो वो वीडियो जो है यूट्यूब में रैंक भी नहीं करती, और कुल मिला के भले आपने उस वीडियो पे कितनी भी मेहनत की हो वो सबसे नीचे शो होती है, वो उसमें व्यूज़ आते ही नहीं है, जैसे कि तैसे वो वीडियोज़ वैसे ही पड़ी रहती है। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे, अगर आपका भी चैनल है और आपकी भी कुछ ऐसी वीडियोज़ है जिसमें आपने मेहनत तो बहुत की थी लेकिन उसमें उस मुताबिक व्यूज़ नहीं आए, और आज की डेट पर अगर आप चाहते हैं कि उस वीडियोज़ में बहुत हद तक व्यूज़ आए, तो उसे आप पुरानी वीडियोज़ पर व्यूज़ कैसे जनरेट कर सकते हैं, तो चलिए जानते हैं और सीखते हैं। सबसे पहले आपको अपने YouTube पे लॉगिन करना होगा ईमेल आईडी से, और उसके बाद अपने चैनल के आइकन पे क्लिक करना है और उस पर जाना है क्रिएटर स्टूडियो पे। उसके बाद आप यहाँ पे डैशबोर्ड में पहुँच जाएंगे, उसके बाद आपको जाना है वीडियो मैनेजर पे। वेल, इसके बाद आपको जो नेक्स्ट स्टेप वो करना है, आपको ढूंढनी है अपने चैनल में सबसे हाई व्यूज़ वाली वीडियोज़, यानी कि आपके चैनल में जो भी वीडियोस हो जिसमें सबसे ज़्यादा व्यूज़ हो वो वीडियोस आपको यहाँ पे ढूंढनी है। चलिए एग्जांपल के तौर पे मैं इस वीडियो को उठा लेता हूँ। मान लीजिए कि इस वीडियो पे सबसे टॉप की वीडियो जो मेरी है इस पे सबसे ज़्यादा व्यूज़ है, ठीक है। और उसके बाद जो आपको नेक्स्ट स्टेप करना है वो आपको ऐसी वीडियो ढूंढनी होगी जिसमें व्यूज़ नहीं आए और जिस पर आप चाहते हैं जो है उसके व्यूज़ बढ़े, ठीक है। तो सबसे पहले आपको उठानी है ऐसी वीडियो जिसमें व्यूज़ आए, और तो ये एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैंने उठा ली। और नीचे आपको एक ऑप्शन दिखेगा एडिट का, तो इसके नेक्स्ट पे राइट पे आपको एक बटन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। और आपको एक चौथा ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे स्क्रीन एंड एनोटेशंस, ठीक है। तो यही वो ऑप्शन है जिस पे आपको क्लिक करना है। पहले क्लिक करने के बाद कुछ इस टाइप का आपके सामने ऑप्शन खुलेगा, और यही वो ऑप्शन है स्क्रीन एंड एज एनोटेशन, जिसकी मदद से आप पुराने वीडियोस पे व्यूज़ जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस टाइप का आपके सामने ऑप्शन खुलेगा, और ये वाला ऑप्शन हर यूट्यूबर के पास इनेबल रहता है भले उसके पास कितने भी सब्सक्राइबर क्यों ना हो। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा ऐड एलिमेंट का, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, और सबसे पहले वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, वीडियो और प्लेलिस्ट क्रिएट पे क्लिक करना है। और उसके बाद कुछ इस टाइप का आपके सामने पॉपअप खुलेगा, और सबसे नीचे वाला ऑप्शन है चूज़ अ वीडियो और प्लेलिस्ट, इस पर क्लिक करना है, और यहाँ से आपको वो वीडियो ढूंढनी है जिस पे व्यूज़ कम आए हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप जो है वीडियो को ढूंढ सकते हैं जिसमें व्यूज़ कम आए और आप चाहते हैं उस पर व्यूज़ आने शुरू हो जाए, ठीक है। तो चलिए एग्जांपल के तौर पर मैंने ये वीडियो उठा ली। अगर आपको शॉर्टकट अपनाना है तो यहाँ पे उस पर्टिकुलर वीडियो का आप यूआरएल भी यहाँ पे डाल सकते हैं, तो वो डायरेक्टली यहाँ पे शो होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो एग्जांपल के तौर पे मैंने ये वाली वीडियो सेलेक्ट की, तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे नीचे ऑप्शन जो ऑप्शन दिखेगा क्रिएट एलिमेंट पर, इस पर क्लिक करना है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर शो होनी शुरू हो जाएगी, इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, कहाँ आप चाहते हैं दिखे, एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड टॉप कॉर्नर पे या नीचे, तो इसे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे सेट कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे इसको सेट कर लेता हूँ। वेल, सेट करने के बाद आपको उसका नेक्स्ट चीज़ जो करनी है वो है उसका टाइमिंग सेट करना, कि ये कहाँ पे दिखेगी। जनरली ये वीडियो के लास्ट में दिखती, तो मैं ये रिकमेंड करूँगा आप वीडियो के 5-6 सेकंड पहले इसको आप ऑन कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बाई डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ये वीडियो जो है 3 मिनट 57 सेकेंड की वीडियो है, तो हम इसको ड्रैग करते हुए इसे हम 3 मिनट 50 पे हम यहाँ सेट कर देंगे। तो यानी कि जैसे आपकी वीडियो की जो लेंथ है वो 3 मिनट 50 सेकंड पे पहुंचेगी, ये यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा। कोशिश करेगा इससे पहले ना करें, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपके जो आप कंटेंट जिसके बारे में वीडियो बता रहे हैं उसके बीच में ये शो होना शुरू हो जाए, तो वो ख़राब इंप्रेशन बनता है। तो जनरली लास्ट के 5 से 6 सेकंड पहले इंसान जो है अपनी वीडियो को एंड करता है, सब्सक्राइब करने के लिए बोलता है, तो उस समय आप इसे शो कर सकते हैं। तो 5 से 6 सेकंड पहले आप इसे यहाँ पे सेट कर देंगे, और उसके बाद यहाँ पे आपको
सिंपली यहाँ पे टॉप में आपको एक ऑप्शन दिखेगा सेव बटन, इस पर आपको क्लिक कर देना है और ये आपका जो है करेक्ट 3:50 3:50 में शो होना शुरू हो जाएगा। ऐसे में जो भी आपके हाई व्यूज़ वाली वीडियोस है लोग उसमें इस वीडियो को देखेंगे, तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि सभी लोग क्लिक कर देंगे, लेकिन ज़्यादातर लोगों के इम्प्रेशन बनेगा और चांसेस बढ़ेगा कि आपकी जो पुरानी व्यूज़ हैं या पुरानी वीडियोस है उस पर जो है व्यूज़ आना लग जाएंगे। तो ये वीडियो तरीका है किस तरह से आप पुराने वीडियोस पे व्यूज़ जनरेट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा और आपने सीख लिया होगा। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।